इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर सेलम स्टील को प्राइवेट किए जाने के विरोध में एसटीएससी मजदूर यूनियन जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं। हमारा सेलम से आ रहा, हमारा डिमांड टू मेक प्रॉफिट ऑफ सेलम स्टील प्लांट, स्टील मिनिस्ट्री एंड सेल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सैंक्शन 2200 crores फॉर मेजर 3 प्रोडक्शन यूनिट्स इन 2007 टू 2008 फॉर मॉडर्निशेशन। इट इंक्लूड्स स्टील मेल्टिंग शॉप, कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्स 2 एंड हार्ट ऑफ द सेलम स्टील प्लांट जेट मिल 3। आउट ऑफ दीज 3 यूनिट, स्टील मेल्टिंग शॉप एंड कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्स 2 वेर कमीशनड इन टाइम विदाउट एनी डिले एंड रनिंग सक्सेसफुली। बट द हार्ट यूनिट ऑफ सेलम स्टील प्लांट जेट मिल 3 could not be commissioned in time due to litigation after the transport accident to above equipment in 2010. So it was commissioned in September 2001 only. So we, the Salem Steel Plant SCST Employees Union, strongly protest the privatization decision. सेलम स्टील प्लांट एसटीएससी यूनियन के यहाँ पर ऑर्गेनाइज, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम को, आइए हम उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इनसे कि आखिर क्या वजह पड़ी कि आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली तक आने की क्या जरूरत पड़ी, वहाँ की सरकार से आपने बातचीत की? हमारा परेशान को इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के सुनाने के लिए हम वहाँ से इधर आया था। हमारा सेल का कारपोरेट ऑफिस भी यहाँ दिल्ली में हुआ, इसलिए हम लोग वहाँ से इधर आया था। वहाँ पर आपने कभी सेलम प्लांट से बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, हमारा गांव में भी हम लोग पूरा प्रोटेस्ट किया, एक दिन का वो रैली किया है, वो ह्यूमन चेन किया है, वो धरना किया है, वो अभी वहाँ से वो कोई भी नहीं मिला। अभी हम लोग का कुछ कोई गवर्नमेंट बोलने का ये प्रिवेशन नहीं होना बोल के दिक्कतें ये हैं जी। प्राइवेट अभी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में किसी को परेशानी नहीं हो रही। इसमें 2000 आदमी काम जो कर रहे हैं वर्कर्स, इनमें जो नया जैसे प्राइवेट कर देंगे तो नए वर्कर्स आएंगे, नए आदमी आएंगे तो पुराने आदमियों को बहुत दिक्कत पड़ेगी। तो ये 2000 वर्कर्स जो जैसे बोकारो स्टील में है, हमारे सेलम स्टील में है, हमारे तेलंगाना स्टील में है, हर जगह हर स्टील, ये कंपनी बहुत बड़ी है और इसको मतलब आप प्राइवेट कर देंगे तो हर जगह मतलब सबको परेशानी होगी। नए प्राइवेट में आने के बाद नए जैसे वो अपना रूल रेगुलेशन अपना अलग अलग निकालेंगे। जैसे गवर्नमेंट में किसी को परेशानी नहीं है तो उसको गवर्नमेंट में ही रहने दीजिए। गवर्नमेंट हर जगह पे मतलब फायदा ही देती है, नुकसान किसी का नहीं करती। प्राइवेट में रह के क्या फायदा? 35 ईयर से जो एम्प्लॉयज है, अभी प्राइवेटाइजेशन करने से बहुत लोग नुकसान हो जाएंगे। क्यों प्राइवेटाइजेशन करना है बोल के हम लोग इधर दिल्ली में आके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जब सेलम स्टील प्लांट फायदे में चल रही है तो उसको प्राइवेट करके सरकार आप लोगों के पेट पर लात मार रही है। हाँ, वही तो, इसीलिए हम लोग क्यों अभी प्रॉफिट्स में है, उन लोग बोल रहे मैनेजमेंट लास्ट में चल रहा है, बोल रहे कितने लास्ट में चल रहा है बोल के हम लोग पूरा डिटेल्स दे बोल रहे हैं, वो नहीं दे रहे उन लोग। बस ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों करना है? इंडिया कोई स्टील प्लांट प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, सेलम में क्यों करना है इन लोग? इसके लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं करना बोल के हम लोग दिल्ली में आके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि वो कैशलेस व्यवस्था को अपनाए, लेकिन जरा सोचिए उन गांव में उन शहरों में जहां पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है किस तरह से यह सफल हो पाएगा। उत्तराखंड का गांव तहसील धरचूला से यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं जिनके पास नेटवर्क नहीं है, तो वो किस तरह से इस व्यवस्था से जुड़े, इसकी मांग को लेकर इन्होंने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड के सबसे लास्ट सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा धारचूला से आए हुए हैं। आज हम लोग उनका यहाँ पर तीसरा दिन आवनन अनशन का है। हम लोग भी एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र को जो है नेटवर्किंग से जोड़ा जाए। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री एक तरफ से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, कैशलेस की बात कर रहे हैं, ई वॉलेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए लोगों के ओर ध्यान नहीं दिया जो आज भी
इस संचार क्रांति के युग में भी नेटवर्किंग के लिए वंचित हैं। और देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वहां की जनता जंतर मंतर पर आके आमरण अनशन कर रही है एक मोबाइल टावर की मांग के लिए। सीमांचल हम लोग मोबाइल नेटवर्क की हमें आवश्यकता है, अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कहाँ से आए हम? मुंशहरी तहसील से है। क्या दिक्कतें आ रही है? मोबाइल नेटवर्क कर पा रहे हैं? कैशलेस हम बात नहीं कर पा रहे, जहाँ 4G चल गया वहाँ पर 2G छोड़ो, बात करने के लिए हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं? मोबाइल टावरों की मांग कर रहे हैं, धारचूला मुंशहरी में सब जगह नेटवर्क हो जाए। नेटवर्किंग की इतनी समस्या है कैशलेस, और ये तो बहुत बड़ी बात है। आज के इस 2016 संचार क्रांति के युग में जो है हमारे लिए फ़ोन करना, एक दूसरे से मोबाइल से बात करना ही सपना बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो केंद्र सरकार लाखों करोड़ों रुपए सेना पर खर्च कर रही है, और एक तरफ दूसरी तरफ ध्यान ये नहीं दे रही है कि हमारे सीमाओं के जो बॉर्डर है उन बॉर्डर की रक्षा कैसे की जा सकती है, कैसे वहाँ पर जो है इंडिया के जो गुप्तचर जो है और उसका मैसेज जो है विदेशों को नहीं हो, किस तरह उसकी व्यवस्था की जा सके, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कि अगर सरकार जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या उठा रहे हैं? देखिए मैंने तो आमरण अनशन शुरू किया है, और जब तक शरीर में जान है मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। बाकी अगर केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आज तक आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट हो या JNK हो, हमेशा आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, और कई राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। एक उत्तराखंड का ही बॉर्डर ऐसा है जो दो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों पर शांत रहा है, ऐसा ना हो वहाँ के युवा और वहाँ की जनता को भी कानून तोड़कर मजबूरी जो है अब कानून अपने हाथ में लेना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार को सोच लेना चाहिए। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 163 में हूँ, और यहाँ पर UPCL द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से लोग आकर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर दीपक जी हमारे साथ हैं, आइए दीपक जी से जानते हैं इनका जो ये UPCL है ये किस तरह से इस टूर्नामेंट का इन्होंने आयोजन कराया हुआ है, यहाँ पर दीपक बता। बेसिकली हम लोगों की एक फाउंडेशन है एम्पावर माई इंडिया फाउंडेशन, जो इंडिया में गिरते हुए स्पोर्ट्स पे काम करना चाह रही है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसी में हम लोगों ने एक टाइटल अरेंज किया है यूपी को लेके, यूपी स्टेट लेवल का क्रिकेट UPCL उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग, और बेसिकली उसमें 8 टीमें हमारी पार्टिसिपेट कर रही है, जो यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी को लेके हम लोगों ने एक पूरा प्लान किया है, बच्चों के लिए कुछ कर पाए हम। कब से ये स्टार्ट? 21st से हमारा स्टार्ट हुआ है। अभी गौतम बुद्ध नगर की एक टीम है, दूसरा आगरा एवेंजर्स की एक टीम हमारी पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इवेंट होगा, हम लोग एक स्टेट लेवल पर फुटबॉल मैनेज करेंगे, उसके बाद में हम लोगों ने सोचा रूरल गेम्स को हम लोग प्रमोट करेंगे, नॉट ओनली क्रिकेट हम सभी गेम्स को प्रमोट करेंगे। अब हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने इस मैच को सफलतापूर्वक नहीं खेला है, लेकिन कोशिश इनकी भी अच्छी रही थी, काफ़ी देर से मैं इस क्रिकेट को देख रहा था, काफ़ी अच्छी कोशिश की है इन्होंने। आप जीते तो नहीं लेकिन मैं कहूँगा कि हारे भी नहीं, क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें जो है एक टीम विजय होती है और एक वो होती है, तो इस कहाँ चूक रही आपसे, क्यों आप हारे इस मैच को? क्या कुछ नहीं, बैट्समैन हमारे थोड़ा जल्दी खेलने की कोशिश में शॉट्स का सिलेक्शन गलत रहा जिसकी वजह से आउट हो गए, टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप रहा। एक मौका आपके पास और है तो उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे यहाँ? कोशिश यही रही कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपना, सभी 11 के 11 अपना बेस्ट दे ताकि सेमीफाइनल पहुँचे। यहाँ पर आगरा को पछाड़ कर कैसा लगा और इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा जीत के, तो हमेशा अच्छा ही लगता है, और दूसरी टीम भी अच्छी थी। क्या वजह रही, कहाँ चूक कर गई आगरा की टीम कि आपको विजयश्री प्राप्त हुआ है आज के इस मैच में? वो टोटल को ढंग से विकेट को देख नहीं पाए कैसा विकेट है, थोड़ा सॉफ्ट था विकेट, गीला था, विकेट को देख के नहीं खेले, अपने शॉट्स खेल रहे थे बस, और हमारे बॉलरों ने लाइन लेंथ पे बॉल डाला, अच्छा डाला वो।